हे गाइस नमस्कार, आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस के प्यारे से यूट्यूब फैमिली पर स्वागत है। गाइस आज की लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान की 2022 के सेशन में हुए प्रश्न पत्र का हम लोग आज अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग जिस पेपर को सॉल्व करने वाले हैं उस पेपर का जो कोड रहा वो है 346 GD। और आज ये चौथी लेक्चर होने वाली प्यारे बच्चों, इससे पहले 3 पेपर हम लोगों ने सॉल्व कराया है, बहुविकल्पी और अति लघु उत्तरी। अभी इन्हीं दोनों प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, बाकी जो बचे हुए प्रश्न हैं जैसे ही हम लोग इनको सॉल्व कर लेंगे वैसे ही उनका भी वीडियो आपको अपलोड करा दिया जाएगा। बच्चों, तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जबरदस्त कीजिएगा। प्यारे बच्चों, और आज का जो पेपर वाला जो कोड है 346 GD जबरदस्त पेपर बना है प्यारे बच्चों, जबरदस्त एकदम अच्छा और एकदम मक्खन के आसान, मक्खन से भी सरल भाषा में आप हल करेंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आपको स्क्रीन पे सबसे पहला सवाल दिखाई पड़ रहा होगा, खंड अ का स्क्रीन पे सबसे पहला सवाल आपको दिखाई पड़ रहा होगा। प्यारे बच्चों, अगर आपको प्रश्न दिखाई पड़ रहा है तो आप उसको हल करने का प्रयास कीजिए, नहीं तो अब हम पढ़ रहे हैं प्रश्न तो हल किया जाएगा। क्या कर रहा है, बराबर द्रव्यमान के गोले ए और बी क्रमशः प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश दिया गया है, यदि आवेशन के पश्चात इनके द्रव्यमान आपस में बराबर हो तो आवेशन के पश्चात इनके द्रव्यमान एमए और एमबी हो तो एमए और एमबी में क्या संबंध होगा, ये आपको बताना है। पहले बच्चों, ऑप्शन आपको 4 दिखाई पड़ रहे होंगे, आप उन चारों ऑप्शन में से देख के बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। आइए अब हम खंड ए में प्रश्न नंबर जो क है उसको हम सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है कि कोई गोला है, कोई गोला ए है और कोई गोला बी है। तो मान लेते प्यारे बच्चों ये गोला ए है और ये कोई गोला जो है बी होगा, ये कोई गोला ए है और ठीक, ये गोला कोई ए है और ये कोई गोला बी है, दोनों के द्रव्यमान एम ए है और एक का द्रव्यमान क्या है प्यारे बच्चों एम बी है, एक का द्रव्यमान एम ए है और एक का द्रव्यमान कितना है एम बी है। अब एक को जो है प्लस क्यू आवेश दिया जा रहा है, एक को माइनस क्यू आवेश दिया जा रहा है। जब हम प्लस ए को क्यू आवेश दे रहे हैं ना, प्लस ए को क्या दे रहे हैं प्यारे बच्चों क्यू आवेश, तो जब इसको हम लोगों ने प्लस क्यू आवेश दिया, प्लस क्यू आवेश देने का मतलब होता है प्यारे बच्चों, हमने फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट वाली क्लास में बताया था कि जिन पदार्थों में प्लस क्यू की बात आए, प्लस चार्ज की बात आए प्यारे बच्चों, तो समझ लेना कि उन पदार्थों में से इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है, क्योंकि अलग से प्लस दिया नहीं जाता प्यारे बच्चों, या तो इलेक्ट्रॉन निकल के जाता है तब प्लस हो जाता है और जिस पे जाता है वो माइनस हो जाता है। प्यारे बच्चों, इन दोनों को जब आपस में रगड़ा गया होगा, इन दोनों को आवेशन किया गया होगा तो इनमें से इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इसलिए हम लोगों ने कहा कि ये धन आवेश है, इन्हें हमने प्लस क्यू आवेश दिया है, यानी प्लस क्यू इलेक्ट्रॉन इनमें से बाहर निकल गए। और प्यारे बच्चों आप ये मतलब समझ चुके होंगे कि जब इनमें से इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो बताओ भैया अगर 2 इलेक्ट्रॉन इनमें से निकल के चले जाएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान घट जाएगा ना, और इसमें माइनस क्यू आवेश दिया जा रहा है मतलब इनमें इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हुई, और बताओ जब इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी तो इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। आप इतना समझ लो कि प्लस क्यू आवेश देने का मतलब है इलेक्ट्रॉन की कमी और माइनस क्यू आवेश देने का मतलब है इलेक्ट्रॉन की वृद्धि, और इलेक्ट्रॉन की वृद्धि तो द्रव्यमान बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन की कमी अर्थात द्रव्यमान घट जाएगा। तो आइए लिख लेते हैं प्यारे बच्चों, प्लस क्यू आवेश देने का जब प्यारे बच्चों इनमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो इनका द्रव्यमान घट जाएगा, भाई इलेक्ट्रॉन निकल के जाएगा तो द्रव्यमान कम होगा, अतः द्रव्यमान कम होगा या अतः द्रव्यमान घट जाएगा ठीक। और इसका जब इसमें इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होगी तो अतः द्रव्यमान क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा,
द्रव्यमान बढ़ जाएगा। अब आप सोचो, यानी कहने का मतलब है प्यारे बच्चों कि इसका द्रव्यमान ज्यादा होगा और इसका द्रव्यमान कम होगा। तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि एम ए कम होगा यम बी से, यम ए कम होगा यम बी से। अब या तो इसको हम दूसरे वर्ड में लिख सकते हैं कि यम बी ज्यादा होगा यम ए के। अब आप मिलाइए, देखिए कि कौन सा ऑप्शन आपके बहुविक आपके विकल्प में दिया गया है, अर्थात ये मैच कर रहा है कि ये मैच कर रहा है प्यारे बच्चों। अब ये देखिए, जिधर खुला रहेगा उधर द्रव्यमान ज्यादा है, उधर का मान ज्यादा है, तो आपको ये वाला ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। ऑप्शन नंबर जो है वो थर्ड है, ऑप्शन नंबर थर्ड जो है बिल्कुल करेक्ट जवाब है प्यारे बच्चों। तो हम पहले प्रश्न का जवाब दे सकते हैं, उम्मीद है कि अब आप इस प्रश्न को भूलने वाले नहीं हैं। अब हम बात करते हैं ख नंबर का, जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है। ख नंबर क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, जरा सा देखिए, हम भी पढ़ रहे हैं। प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन कर रही है। सघन माध्यम यानी आपका जो हो सकता है पानी हो सकता है, तो कांच हो सकता है, कांच से वायु में जा रही है या पानी से वायु में जा रही है। क्या करा, तो आपतन कोण क्रांतिक कोण के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो भैया हमने इस टॉपिक को पढ़ा के रखा प्यारे बच्चों, क्रांतिक कोण पूर्ण आंतरिक परावर्तन, कि जब कोई प्रकाश किरण जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण यदि क्रांतिक कोण के बराबर हो जाए तो अपवर्तन कोण सदैव 90 अंश होता है। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, और यदि आपने ये लेक्चर नहीं देखा है तो आप ये लेक्चर जाके तुरंत देखिए, आपको इस लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं प्यारे बच्चों कि कैसे 90 होता है कैसे नहीं होता, वहां पर फुल डिटेल में मैंने बता के रखा है। तो ये क्या कर रहा है कि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में, जैसे मैंने क्या कह दिया कि ये सघन माध्यम मानने बनाने के लिए ये अंदर की तरफ मैंने क्या बना दिया, पानी बना दिया। प्यारे बच्चों ये कोई पानी है, ठीक। अब ये हो गए, और ये इसके लिए हम बीच में अविलंब बना देते हैं प्यारे बच्चों। क्या बना देते हैं, अविलंब बना देते हैं। अब सोचो कि जब ये कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से चलकर विरल माध्यम में प्रवेश करती है, सघन माध्यम ऊपर क्या है वायु है और नीचे क्या है ये जल है। तो ध्यान से देखिए, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो ये जो कोण है आपतन कोण जो आई है वो क्रांतिक कोण के बराबर हो चुका है, अर्थात आई सी के बराबर है। तब जो अपवर्तन कोण होता है प्यारे बच्चों, अब ये इस जो तब जो अपवर्तन कोण होता है, अब आपको लग रहा होगा कि ये प्रकाश किरण ऐसे सीधे निकल जानी चाहिए थी, नहीं ऐसा नहीं होने वाला है। ये जो अपवर्तन किरण अपवर्तित किरण है ना, ये पूर्ण रूप से इस प्रकार परावर्तित हो जाए, इस प्रकार हो जाएगा, पूर्ण रूप से इस प्रकार हो जाता है। तो आप देखिए ये आपका अभिलंब है, ये आपका अभिलंब है। तो अभिलंब और अपवर्तन कोण के बीच बना कोण, अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बना कोण क्या होता है, 90 अंश होता है। तो आप समझ सकते हैं कि जब भी कोई प्रकाश किरण सघन से विरल में प्रवेश करता है, चाहे विरल से सघन में प्रवेश करे, यदि आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर हो जाए तो अपवर्तन कोण सदैव 90 अंश होता है। तो आपको ऑप्शन नंबर सेकंड दिखाई पड़ रहा होगा, अर्थात ख का ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल करेक्ट जवाब है। तो आप वहां पर टिक लगा सकते हैं प्यारे बच्चों। अब हम बात करने वाले हैं प्रश्न नंबर ग की। क्या बात करेंगे, ग की। तो आइए बात कर लेते हैं ग नंबर का, यहां पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा, आइए हम यहीं पर बात कर लेते हैं। ग क्या कह रहा है, देखिए, हाइड्रोजन परमाणु के वर्ण क्रम में प्राप्त पाश्चन श्रेणी कि वर्ण रेखाओं का न्यूनतम तरंग दैर्ध्य क्या होगा। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, आप उन 4 ऑप्शन में ढूंढना है कि पाश्चन श्रेणी की जो वर्ण रेखा है उनमें सबसे न्यूनतम तरंग दैर्ध्य क्या होगा प्यारे बच्चों। तो पहले हम समझते हैं पाश्चन श्रेणी क्या होता है। अभी हम लोगों ने पाश्चन श्रेणी नहीं पढ़ा है क्योंकि अभी हम लोग के सिलेबस भी पूरे नहीं हुए हैं प्यारे बच्चों, तो धीरे धीरे पढ़ाएंगे, पाश्चन श्रेणी के पास भी पहुंचेंगे। परंतु अभी हम बता दे रहे हैं कि जब हाइड्रोजन परमाणु का कोई भी इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा वाले कक्षा से तीसरे ऊर्जा कक्षा में संक्रमण करता है, तो संक्रमण करने के दौरान
जो विकिरण उत्सर्जित होती है वो पाषाण श्रेणी के अंतर्गत आती है। और जब ये क्लास आएगी ना प्यारे बच्चों, फूल मक्खन हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। अब क्या कर रहा है कि इसका जो फार्मूला होता है पाषाण श्रेणी के लिए, जो तरंग दैर्ध्य का फार्मूला होता है वो आप ध्यान से देखिए। पाषाण श्रेणी, पाषाण, बामर, लाइमन, तो प्यारे बच्चों बहुत सारी श्रेणियां, बहुत बढ़िया है। तो पाषाण श्रेणी के लिए जो लेमडा का फार्मूला होता है 1/λ बराबर आर, आर वहां रेडबर्ग नियतांक होता है, फिर 1/3 का वर्ग माइनस 1/n का वर्ग, यहां ये ध्यान दीजिए ये होता है। अब यहां से यन जो होता है सदैव इस वाली संख्या से बड़ी होगी, यानी जब भी संक्रमण करोगे, अब तीसरे कक्षा में आपको आना ही है तो भाई दूसरे से तो संक्रमण करोगे नहीं, उच्च ऊर्जा कक्षा कौन होगा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, डॉट डॉट इनफाइनाइट ना। तो वो क्या बोला है प्यारे बच्चों, वो बोला है कि न्यूनतम तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। तो ध्यान देना इस बात को, याद रखिएगा कि किसी भी श्रेणी के लिए, किसी भी श्रेणी के लिए जो न्यूनतम तरंग दैर्ध्य होता है, न्यूनतम तरंग दैर्ध्य के लिए जो एन होता है वो किसके इक्वल होता है प्यारे बच्चों, इनफाइनाइट के इक्वल होता है। किसके? इनफाइनाइट। अर्थात किसी भी श्रेणी के लिए अगर आपको तरंग दैर्ध्य निकालना है, तो अगर न्यूनतम की बात कर रहा है तो यन बराबर इनफाइनाइट हो जाएगा। तो अब हम आइए हल कर लेते हैं। तो 1/λ बराबर क्या आ जाएगा, आर को रहने दीजिए क्योंकि आपके जो विकल्प है वो आर के पदों में है, नहीं तो हटा भी सकते थे। रेडबर्ग नियतांक होता है, इसकी वैल्यू आपके पेपर के लास्ट पेज पे दिया रहता है, आप नोट कर सकते हैं वहां से। चलिए अब 1/3 का वर्ग करेंगे तो 1/9 आ जाएगा, और माइनस 1/n के स्थान पे इनफाइनाइट रख देंगे तो इसका कोई मतलब नहीं, केवल आपके पास ये बच जाएगा 1/λ। क्या बचेगा प्यारे बच्चों, 1/λ। आर का गुना 1 से करेंगे तो 1/r9 आ जाएगा, ये लेमडा ऊपर जाएगा तो 9 ऊपर जाएगा, तो लेमडा का मान निकालना था तो 9/ क्या आ जाएंगे, आर। तो लेमडा की जो वैल्यू है वो आपने 9/r प्राप्त कर लिया। अब आप मिला सकते हैं कि आपका ऑप्शन कौन से मैच कर रहा है प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है फर्स्ट, वो बिल्कुल मैच कर रहा है। तो इस प्रश्न का जो जवाब है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। ठीक, तो आप इन तीनों प्रश्न का अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं प्यारे बच्चों। और उम्मीद है कभी अभी तक आपको तीनों प्रश्नों में कोई भी दिक्कतें नहीं आई होंगी, और यदि नहीं दिक्कतें आई होंगी प्यारे बच्चों, तो अभी तक अगर आप लोगों ने इस सेशन को दोस्तों के पास शेयर नहीं किया होगा तो एक बार जरूर शेयर कीजिएगा प्यारे बच्चों। गाइस आपको घ नंबर प्रश्न स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा। क्या करा, किसी धातु का कार्य फलन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो कार्य फलन को हम लोग E या W से व्यक्त करते हैं, तो जो कि 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। आगे क्या कर रहा है, शून्य गतिज ऊर्जा के प्रकाश इलेक्ट्रॉन, यानी कोई प्रकाश इलेक्ट्रॉन है जिसकी गतिज ऊर्जा शून्य है, शून्य गतिज ऊर्जा के प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जन हेतु आवश्यक विकिरण का तरंग दैर्घ्य क्या होगा, यानी आपको लैम्डा ज्ञात करना है। आपको ये दिया गया है प्यारे बच्चों। तो हम लैम्डा ज्ञात करने के लिए हमको कुछ नियतांक राशियों की वैल्यू पता होनी चाहिए, जैसे कि एच आपके पेपर में दिया रहेगा 6.63×10⁻¹¹-34, ये एच का मान होता है, और सी की वैल्यू होती है 3×10⁸। अब हमको लैम्डा ज्ञात करना है, तो प्यारे बच्चों हम लोगों ने पढ़ा है कि किसी भी धातु से इलेक्ट्रॉन को, किसी भी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कराने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है E=hc/λ होता है प्यारे बच्चों। तो हम यहां से फार्मूला लगा सकते हैं E=, क्या है, hc/λ। ठीक, अब हम क्या कर सकते हैं कि मुझे लैम्डा ज्ञात करना है, तो लैम्डा यहाँ आ जाएगा, ई यहां पर चला जाएगा, तो लैम्डा इक्वल टू आ जाएगा hc/E आ जाएगा, hc/E। अब H की वैल्यू कितनी है, 6.63×10⁻¹¹ है, C की वैल्यू कितनी, 3×10⁸ है, और E की वैल्यू आपको दी गई है 4 इलेक्ट्रॉन है, तो E को हटाएंगे 1.6×10⁻¹⁹ आ जाएगा ना। अब देखिए ये 19 से ये कट जाएगा तो यहां कितना बचेगा प्यारे बच्चों, -15 बचेगा। ठीक, अब आपको क्या करना है,
केवल गुणा करके हल करना, तो 3 3 9 हो जाएंगे, 3 6 18, 3 6 18 19, तो 19.89 और 16 4 64 और यहाँ आ जाएगा 6.4। 15 में से 8 घटा देते हैं प्यारे बच्चों, तो 10 घाते -7 आता है। अब केवल हम कैलकुलेटर की मदद से अगर हम इनको क्या करते हैं, भाग दे देते हैं, तो हमारे जवाब जो है आपके सामने होंगे प्यारे बच्चों। तो 19 पॉइंट जब हम 8 और 9 को जो है डिवाइड करेंगे 6.4 से, तो 3.10 करके आएगा। क्या आएगा? 3 पॉइंट यानी 3.10 × 10⁻¹। ठीक, अब 1 0 7 में 7 8 भी आया है, तो आप 7 8 भी लिख सकते हैं। फिर से एक बार आंसर लिख दिए जा रहे हैं, क्या है 3.10 7 8 ना, और × 10⁻¹। अब अगर आप अपना ऑप्शन देख रहे होंगे, आप अपने प्रश्नों का ऑप्शन मिला रहे होंगे, तो ये चीज आपको अभी तक नहीं दिखाई पड़ रहा होगा स्क्रीन पे, क्योंकि ऑप्शन में आपको सारे इंगस्ट्रान में दिया है, और ये आपका किस में आया है, ये आपका मीटर में आया है। तो भैया हम एंगस्ट्रॉन में इनको बदलने के लिए क्या कर देंगे प्यारे बच्चों, ये जो पॉइंट है 1 2 3, 3 अंक आगे लेके चले जाएंगे। जैसे ही हम 3 अंक आगे लेके जाएंगे, तो 3 1 0 7 हो जाएगा। 1 2 3 अंक आगे लेके जा रहे हैं, तो 3 अंक आगे लेके गए, तो ये जो पावर 10 7 है, उसी में 7 में -3 हो जाएगा। जितने अंक उधर ले गए उतना पावर माइनस हो जाएगा, तो 7 3 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो अब हम क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे 31 0 7, 31 0 7 × 10⁻¹ मीटर। अब इसे हम एक एंगस्ट्रॉन भी लिख सकते हैं, तो 31 0 7 एंगस्ट्रॉन आ जाएगा। ये रही प्यारे बच्चों लेमडा की वैल्यू, क्या हो गई लेमडा की वैल्यू। अब आपके स्क्रीन पे ये वाला ऑप्शन दिखाई पड़ रहा होगा 31 0 8, हाँ, तो लगभग ये जो आप 7 है प्यारे बच्चों, उसे एक अंक मानते हुए 7 को बजाय क्या कर लेंगे, 8 कर लेंगे, तो आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट दिखाई पड़ेगा। तो लगभग में 31 0 क्या आ जाएगा, 8, 31 0 8 इंगेस्ट्रॉन जो है आपका होगा। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो आपके उत्तर से मैच कर रहा, तो वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, बात समझ में। अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर अंग का, अंग क्या कह रहा है उसे आप ध्यान से देखिए। अंग क्या कह रहा, विद्युत चुंबकीय तरंग के विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र सदिश क्रमशः, ध्यान दीजिएगा, ये विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों सदिश क्रमशः, यानी विद्युत क्षेत्र को हम ई से व्यक्त कर रहे हैं प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा, जो विद्युत क्षेत्र है और ये सदिश के लिए बोला, तो विद्युत क्षेत्र को ई वेक्टर ई से दिखा रहे हैं, और जो चुंबकीय क्षेत्र है प्यारे बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र को वेक्टर बी से दिखा रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र को वेक्टर बी से हम दिखा रहे हैं। आगे क्या कह रहा कि तरंग की संचरण की दिशा किससे हम प्रदर्शित करेंगे, आपको ऑप्शन में दिखाई पड़ रहा होगा प्यारे बच्चों, आपको ऑप्शन में दिखाई पड़ रहा होगा कि किससे दिखाना है। तो हम इनकी चर्चा थोड़ी देर बाद करते हैं। हमने पढ़ा था कि जब कोई सदिश, दो सदिश ए और बी हो, जब कोई दो सदिश ए और बी होता था, अगर उनको हमको दर्शाना रहता था, हम उन्हें ए क्रॉस बी लिखा करते थे प्यारे बच्चों, ए क्रॉस बी, और जो कि फार्मूला होता था ए बी साइन थीटा एन कैप लग जाता था यहां पर ना, तो इस सदिश को हटाते थे तो ये लगा देते थे ए बी साइन थीटा एन कैप। अब उसी प्रकार ये दो सदिश है, इन दोनों सदिश को हम किसके द्वारा दिखाएंगे प्यारे बच्चों, ई क्रॉस किसके द्वारा दिखा देंगे, बी के द्वारा। किसके द्वारा दिखा देंगे, ई क्रॉस बी के। अब जो भी ऑप्शन नंबर हो आप उसको मैच करा सकते हैं, तो शायद ऑप्शन नंबर जो है चौथा है, चौथा जो है बिल्कुल करेक्ट है। तो ये रहा अंग नंबर का जवाब। अब लास्ट हम बात करेंगे च नंबर का, किसकी बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों, च च नंबर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। च नंबर कह रहा है कोई एक आवेश है जो कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी के समांतर वी वेग से गति कर रहा है, तो आवेश पे लगने वाले बल का मान क्या होगा।
इस क्लास को भी हमने बहुत डीपली तरीके से पढ़ाया है कि जब कोई गतिमान आवेश एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उस पे लगने वाला बल क्या होता है। प्यारे बच्चों, यदि आपने ये क्लास नहीं देखा है तो इसका लगने वाले जो बल का व्यंजक है वो आता कहाँ से है, वो आपको इसका वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में प्राप्त है, आपको वहां से देख सकते हैं, या तो इस वीडियो का लिंक आई लिंक पे आपको दिखाई पड़ रहा है, आप वहां से क्लिक करके देख सकते हैं। प्यारे बच्चों, चलिए अब हम बताएं, अब ध्यान से देखिएगा, जब जो आवेश है, चूंकि लिख देते हैं आवेश क्यू, आवेश क्यू है वो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश किया है, ध्यान दीजिएगा, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है, ध्यान से देखिएगा, अर्थ प्रवेश करता है, अर्थात जो थीटा है ना, वो अर्थात जो थीटा है वो शून्य के बराबर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, जो थीटा है वो शून्य के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, क्योंकि समांतर, जैसे ये चुंबकीय क्षेत्र है आवेश भी ऐसे प्रवेश कर जाए, एक दूसरे के समांतर है, अर्थात थीटा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। प्यारे बच्चों, तो ध्यान से देखिएगा, अब हम क्या करते हैं, तो जानते हैं कि जब भी कोई गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उस पे जो लगने वाला बल होता है वो होता है यफ बराबर आवेश गुणे वेग गुणे चुंबकीय क्षेत्र गुणे साइन थीटा, यानी यफ बराबर क्यू वी साइन थीटा। अब यहाँ जो थीटा है प्यारे बच्चों वो जीरो है, जब थीटा जीरो है तो हम रख देंगे, तो क्यू वी बी यहाँ थीटा के स्थान पे साइन जीरो, और पता है साइन जीरो अंश का जो मान होता है ना वो जीरो होता है, क्या होता है जीरो, तो पूरा पक्ष ही क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब जो भी ऑप्शन हो आप वहां से मैच करा सकते हैं कि यफ बराबर जीरो किससे मैच कर रहा है, तो प्यारे बच्चों वो ऑप्शन नंबर क्या है, थर्ड है, यानी जो छह प्रश्न है उसका जवाब ऑप्शन नंबर थर्ड है, तो आप यहां से टिक लगा सकते हैं। तो इस प्रकार आपका खंड पूर्ण रूप से कंप्लीट होता है, आप चाहो तो इन सभी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम बातें करेंगे दूसरे खंड की, अर्थात अति लघु उत्तरी प्रश्नों की बात करेंगे। तो गाइस जो है आपको खंड ब की, खंड अ पूर्ण रूप से समाप्त किया हम लोगों ने, अब खंड ब की पारी है, और दूसरे का क नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा, एम्पियर का परिपथी नियम लिखिए प्यारे बच्चों। तो एम्पियर का जो परिपथी नियम है वो आपको स्क्रीन पे भी उसका परिभाषा लिख के दिखाई पड़ रहा होगा, आप चाहो वहां से नोट डाउन कर सकते हैं, या एम्पियर के परिपथी नियम का जो है लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया जा रहा है, आई लिंक पे आपसे क्लिक करके देख सकते हैं कि एम्पियर का परिपथी नियम क्या होता है, या हमारे जिन प्यारे बच्चों को एम्पियर का परिपथी नियम पता है, पहले से पता है और उन्होंने क्लास देखा है, तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे कि सर जी हमको इस प्रश्न का जवाब पता है, एक बार कमेंट बॉक्स में आप अपना रिप्लाई जरूर दीजिएगा। अब देखिए एम्पियर का परिपथी नियम क्या होता है, जब यहाँ आया ही है तो एक बार जरूर चर्चा होगी, गणितीय व्यंजक की चर्चा कर लेते हैं। एम्पियर का जो परिपथी नियम होता है बहुत ही प्यारा सा नियम है, रेखीय समाकलन बी इंटू डीएल, रेखीय समाकलन बी इंटू डीएल इक्वल टू होता है म्यू नॉट आई, यही है एम्पियर का नियम। क्या कहता है ध्यान से देखिए, ये देखिए ये जो गोला बीच में बनाया गया वो बंद पृष्ठ है ना, तो किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला चुंबकीय, ये जो बी है ये चुंबकीय क्षेत्र है, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला चुंबकीय क्षेत्र का समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का समाकलन उस पृष्ठ से बंद धारा, उस पृष्ठ से घिरी हुई धारा आई का म्यू नॉट गुना होता है, ये है प्यारे बच्चों एम्पियर का परिपथी नियम। आपको फुल वीडियो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाके देखिएगा, फुल डिटेल में अच्छी भाषा में समझाएंगे। ठीक, अब हम बातें करेंगे प्रश्न नंबर दूसरे के ख का, आइए ख नंबर क्या कर रहा है हम उनको देख लेते हैं प्यारे बच्चों। ख नंबर क्या करा, वैद्युत द्विध्रुव को परिभाषित कीजिए और इसके द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र लिखिए प्यारे बच्चों। बहुत ही बढ़िया सवाल है, वैद्युत द्विध्रुव को परिभाषित कीजिए। अब वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, सबसे पहले हम एग्जाम में लिखेंगे कैसे, ब्लैक पेन से बढ़िया से वैद्युत द्विध्रुव को हम हेडिंग बना लेंगे, चलो भैया वैद्युत द्विध्रुव की पारी आ गई। अब वैद्युत द्विध्रुव क्या,
अब ध्यान से देखना, वैद्युत विद्युत जो होता है वो क्या होता है, एक प्रकार का सिस्टम होता है, एक प्रकार का क्या होता है, सिस्टम होता है। वैद्युत विद्युत एक प्रकार का निकाय होता है जिसमें दो ठो शैतान बैठे रहते हैं। दो शैतान मतलब ऐसा नहीं कि शैतान यार बैठा, जिस पे दो ठो आवेश रहते हैं, एक माइनस क्यू रहता है और एक प्लस क्यू रहता है, इन्हीं को हम शैतान बोल रहे थे भैया, परंतु वास्तव में शैतान नहीं, बहुत अच्छे आदमी है। ध्यान से देखना, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, एक प्रकार का निकाय होता है, एक प्रकार का सिस्टम होता है जिसमें दो आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर होते हैं, एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, यही वैद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। यानी हम ऐसे भी डिफिनेशन दे सकते हैं, वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें समान परिमाण, दोनों का परिमाण समान है, समान परिमाण के दो आवेश तथा विपरीत प्रकृति के हैं। ध्यान से देखिएगा, समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, यह सिस्टम, यह निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। आपको इसका डिफिनेशन स्क्रीन पे लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा होगा, आप यहां से नोट कर सकते हैं। एक बार मैं आपको फिर से समझा रहा हूं कि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें समान परिमाण के दो और विपरीत आवेश रहते हैं। इस बात को ध्यान देना, एक प्लस रहेंगे एक माइनस रहेंगे, समान परिमाण के विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, वो हमारा वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। अब यही अगर प्रश्न पूछता है, अगर वैद्युत द्विध्रुव का एग्जाम्पल एग्जाम्पल पूछ लेता है प्यारे बच्चों, तो आप आराम से एग्जाम्पल दे सकते हैं कि HCl हो गया, क्या हो गया, HCl हो गया, ये वैद्युत द्विध्रुव के क्या है, एग्जाम्पल, तमाम एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा प्यारे बच्चों। अब ध्यान से देखिएगा, अगर यहीं पे अगर हम बात कर लें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की, किसकी बात कर लें, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की, आपके प्रश्न में केवल मात्रक की बात कहा है, परंतु हम आया है तो इस पे चर्चा कर लेते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव में स्थित, वैद्युत द्विध्रुव में स्थित किसी एक आवेश का परिमाण, किसी भी एक आवेश, परिमाण बात कर रहे हैं, प्रकृति की बात नहीं हो रही, वैद्युत द्विध्रुव में स्थित किसी भी एक आवेश का परिमाण और बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, इसे P से व्यक्त करते हैं। अर्थात अगर हम व्यंजक लिखना चाहें तो मैंने बताया ना किसी एक आवेश का परिमाण, तो Q और बीच की अल्प दूरी का गुणनफल यानी 2L ही क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। अब इसके मात्रक की बात आती है, तो बताओ जरा सा, क्यू आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है फिर बच्चों, कूलाम होता है, क्या होता है, कूलाम होता है, और टू टू का कोई होगा नहीं, एल एल दूरी है, तो दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों जो पी का जो मात्रक आता है वो कूलाम मीटर हो जाता है। अगर हम इसी की बीमा की बात कर ले तो क्यू की बीमा होती है AT, आवेश है, और 2L की बीमा हो गई L, तो अगर हम लिखना चाहें तो LTA यानी इनकी जो बीमा है वो क्या आ जाएगी, LTA आ जाएगी। ठीक, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बातें करेंगे ग नंबर की बात, कि अब ग नंबर प्रश्न भी आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा, आप वहां से देख सकते हैं क्या कर रहा है, कर रहा है एक प्रोटॉन अल्फा कण समान वेग से, एक प्रोटॉन एवं अल्फा कण, एक प्रोटॉन है और एक क्या है, अल्फा कण है, ये समान वेग से गति कर रहे हैं, इनके संबंध में डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का संबंध ज्ञात कीजिए, यानी इन दोनों में डी ब्रोगली का संबंध ज्ञात करना है बच्चों। तो अगर हम बता दिया जाए थोड़ा सा, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का व्यंजक क्या होता है, तो अगर हम बात करें डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का जो व्यंजक होता है वो होता है, तो प्यारे बच्चों डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का जो व्यंजक होता है लैम्डा इक्वल टू होता है H/mv, क्या होता है H/mv, H क्या है प्लांक नियतांक है और एम वी क्या है संवेग है। ठीक, H/p भी लिख सकते हैं, बहुत ही अच्छी हेडिंग है, तो लैम्डा इक्वल टू क्या होता है H/p या H/mv भी लिख सकते हैं ना। अब हम अगर यहीं पर बात करें किसके लिए, प्रोटॉन की, किसके लिए बात कर रहा था, प्रोटॉन की बात कर रहा था ना, तो अगर हम बात करें प्रोटॉन की, तो चलिए प्रोटॉन की बात कर लेते, तो प्रोटॉन कण के लिए, प्रोटॉन कण के लिए, तो प्रोटॉन कण के लिए, तो जहां लैम्डा है वहीं पी हो जाएगा, पी से पता चलता रहेगा प्रोटॉन है इक्वल टू एच
अपान यम, तो जहां प्रोटॉन का द्रव्यमान हो जाएगा यम, प्रोटॉन ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन इनटू वी, वेग तो समान है ना, तो वेग हम वी ही रखेंगे। समीकरण नंबर एक हम बना सकते हैं। सेकंड बात कर रहा था अल्फा कण के लिए, किसके लिए बात कर रहा था प्रश्न में, अल्फा कण के लिए। तो अल्फा कण के लिए अगर डी ब्रोगली लिखना हो तो लैम्डा अल्फा इक्वल टू हो जाएगा एच, जहां प्रोटॉन का द्रव्यमान था वहां अल्फा का द्रव्यमान हो जाएगा, इनटू क्या हो जाएगा वेग। समीकरण नंबर दो, इन दोनों में संबंध पूछा था, हम इन दोनों को भाग दे देते हैं। तो समीकरण एक बटे समीकरण दो से, समीकरण एक बटे समीकरण दो से, समीकरण एक क्या है, लैम्डा प्रोटॉन लैम्डा अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा एच बटे मास ऑफ प्रोटॉन इंटू वी, और बटे क्या हो जाएगा एच बटे मास ऑफ अल्फा इंटू वी हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, अब आपको कुछ यहाँ कैंसिल हो रहा है, ये वी से वी कैंसिल होगा, एच से एच कैंसिल होगा, ये चीज ऊपर जाएगा, तो लैम्डा ऑफ प्रोटॉन और लैम्डा ऑफ अल्फा इक्वल टू आ जाएगा एम अल्फा बटे यम प्रोटॉन। चाहो तो प्यारे बच्चों आप यहां से अल्फा का द्रव्यमान और प्रोटॉन का द्रव्यमान रख के हल कर सकते हैं, और नहीं तो आप यहाँ पर इस प्रश्न को छोड़ सकते हैं। तो इनके तरंग दैर्ध्य का जो संबंध आएगा वो आएगा अल्फा के द्रव्यमान और प्रोटॉन के द्रव्यमान के अनुपात के बराबर होगा। तो इस प्रकार आपका ग नंबर भी वहां कंप्लीट होता। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, हम बगल हट गए हैं प्यारे बच्चे। तो गाइज आपको अगला प्रश्न स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा, घ नंबर क्या कह रहा है उसे हम ध्यान से देखते हैं। कह रहा है 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य की समांतर किरण पुंज, यानी लैम्डा की वैल्यू दिया है 6000 एंगस्ट्रॉम। अगर हम एंगस्ट्रॉम को बदलना चाहे मीटर में तो बदल सकते हैं, 6000 × 10⁻¹। तो 1 2 3 कम हो जाएंगे तो 6 × 10⁻¹⁷ मीटर आ जाएगा ना। फिर उसके बाद क्या करा, समांतर प्रकाश किरण पुंज 3 × 10⁻¹⁶ मीटर चौड़ी झिर्री पर लंबवत आपतित होता है। तो जो फ्रिंजों के बीच की चौड़ाई होती है हम उन्हें ई से व्यक्त करते हैं, जो कि होता है 3 × 10⁻¹⁶ मीटर चौड़ी झिर्री है उस पे आपतित होती है। तो प्राप्त विवर्तन प्रारूप में केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई, केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई थीटा आपको क्या करना है, ज्ञात करना है प्यारे बच्चों। तो ये भी टॉपिक आपके एग्जाम के दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ज्यादा नहीं प्यारे बच्चों, कुछ ही दिन में ये भी क्लास आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल पर आ जाएगी प्यारे बच्चों, बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही आसान भाषा माने वाली है। तो थीटा ज्ञात करना, तो प्यारे बच्चों जो केंद्रीय कोणीय उच्चिष्ट की जो चौड़ाई पूछ रहा है ना, उच्चिष्ट की चौड़ाई का व्यंजक क्या होता है वो ध्यान दीजिएगा, उच्चिष्ट चौड़ाई। तो उच्चिष्ट चौड़ाई का जो व्यंजक होता है वो आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, तो उच्चिष्ट चौड़ाई का व्यंजक होता है थीटा इक्वल टू 2 लैम्डा बटे ई। अब 2 लैम्डा का मान कितना है, 6 × 10⁻¹⁷, और जो ई है वो है 3 × 10⁻¹⁶। ये यहां से कैंसिल होगा, 3 दूनी क्या हो जाएगा 6, तो 2 दूना क्या हो जाएगा 4, और वहां 1 बचा है 10⁻¹। इसे हटा देंगे या तो आप 10 को नीचे ला दीजिए तो पावर 10 प्लस में हो जाएगा, भाग देंगे तो 0.4 रेडियन आ जाएगा। क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, रेडियन। तो इस प्रकार आपका घ नंबर भी क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात करेंगे अंगर नंबर की, किसकी बात करेंगे प्यारे बच्चों, अंगर नंबर। अंगर नंबर जो है, बात करने से पहले बात कर लिया जाए थोड़ी सी कि भाई ये जो प्रश्न है ना वो आपका ट्रांजिस्टर से रिलेटेड है, और एक बात कि आपको प्रश्न स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा परंतु जो चित्र है उसको हम लोग स्वयं बनाएंगे, आपके प्रश्न में दिया है उसको हम लोग बना लेते तब उसकी बात करेंगे। जो अंगा नंबर प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा और चित्र आपके व्हाइट बोर्ड पे दिखाई पड़ रहा है। क्या कर रहा है, दिए गए परिपथ में D1 और D2 एक आदर्श डायोड है। तो बात करें आदर्श डायोड का मतलब होता है कि आप इनमें जितना भी धारा प्रवाहित करेंगे वो आपको धारा तुरंत आप उतना धारा आपको वापिस देगी, मतलब आदर्श की बात कर लिया जाए भाई, जितना आप खाना खाओ उतना आपका खाना पूरा सारा सारा ऊर्जा में ट्रांसफर हो जाए। फिर कह रहा 3 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए, 3 ओम प्रतिरोध में
3 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। ये बात करा क्या बच्चों, तो हम आराम से धारा ज्ञात कर सकते हैं। वोल्टेज दिया गया 12 वोल्ट है, चित्र में दिया है, तो अगर हम देख पा रहे होंगे तो ये, तो गाइज यहां पर देखिए जो ये प्लस वाला टर्मिनल है वो एन क्षेत्र से जुड़ा है और माइनस वाला टर्मिनल जो है पी क्षेत्र से जुड़ा है। तो ये पूरा जो अभिनत है ये कौन सा अभिनत हो जाएगा? पश्च अभिनत, अर्थात फॉरवर्ड बाइसिंग। कौन सी बात होगी? पश्च अभिनत ना। आपको पता है पश्च अभिनत में धारा प्रवाहित नहीं होती, धारा प्रवाहित नहीं होती, धारा प्रवाहित नहीं होती, यानी D1 से कोई मतलब ही नहीं। अब हम डायोड D2 की बात करें प्यारे बच्चों, तो ये जो P वाला क्षेत्र है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और जो N क्षेत्र है वो बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है, अर्थात ये वाला जो अभिनत है वो कौन सा अभिनत है? अग्र अभिनत है। कौन सा अभिनत है प्यारे बच्चों? अग्र अभिनत। अग्र अभिनत में धारा प्रवाहित होती है, तो धारा ज्ञात करना भी है। V की वैल्यू दिया है 12 वोल्ट, R मुझे चाहिए, तो R यहां पर अगर माने तो ये 5 ओम और 3 ओम ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो 5 और 3 जुड़ के कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 8 ओम। अब हम I ज्ञात करना, तो I बराबर अगर हम ओम के नियम से लगा दे तो V/R, V की वैल्यू 12, इसकी वैल्यू 8, तो भाग दे दिया जाए, 8 × 1 = 8 हो जाएगा फिर ना, 8 × 8 = 10 लगा के मतलब मिला जुला के 1.5 आएगा, 1.5 एम्पियर। तो आई की वैल्यू जो है 1.5 एम्पियर आप प्राप्त कर सकते हो। आई की जो वैल्यू है वो कितनी है? 1.5 एम्पियर। इस प्रकार प्यारे बच्चों आपके अंगा प्रश्न का जो जवाब है वो यहां पर हो जाता है। अब इस खंड का और इस लेक्चर का लास्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा जो कि छ नंबर है। छ नंबर क्या कह रहा है कि किसी भी सेल के विद्युत वाहक बल को आप परिभाषित करो प्यारे बच्चों। तो जब बात आती है सेल के विद्युत वाहक बल की, तो आप सेल की विद्युत वाहक बल हम यहां पर चर्चा तो कर ले रहे हैं, परंतु हमने इसकी क्लास एकदम मक्खन वाली भाषा में हल बताया है प्यारे बच्चों। ये वाली भी क्लास आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्राप्त है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। क्या करा सेल का विद्युत वाहक बल जानते हो? कहता है भी कि किसी भी एकांक आवेश को, किसी भी एक आवेश को परिपथ में घुमाने में, पूरे परिपथ में घुमाने में किया गया कार्य सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। इसे हम ई से व्यक्त करते हैं, ई बराबर होता है W/Q, यही है सेल का विद्युत वाहक बल। पहले बच्चों फुल डिटेल की क्लास आप लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। ठीक, तो इस प्रकार प्यारे बच्चों आपका जो खंड है अ खंड ब बहुविकल्पी और अति लघुत्तरी दोनों प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। उम्मीद है कि आज की क्लास आपको जबरदस्त लगी होगी और बहुत ही प्यारा सा लगा होगा। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं कि आप सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे और आपको समझ में भी आया होगा। प्यारे बच्चों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए सेट के साथ, एक नए पेपर कोड के साथ। तब तक के लिए आप इस वीडियो को खूब सारा प्यार दीजिए और अपने आप को खूब सारा तैयार कीजिए प्यारे बच्चों। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट।